नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। आप देख रहे हैं न्यूज 21। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरें विस्तार से। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सिपाही और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5,000 की नकदी और एक स्मार्टफोन बरामद किया है। आरोपी खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पूरनपुर थाना क्षेत्र में आने वाले एक गांव की व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ब्रेजा कार में सवार 4 व्यक्तियों ने खुद को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर उससे एक मोबाइल फोन और 3,000 रुपये की नकदी लूट ली। वहीं जितेंद्र कुमार नाम के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि CBI टीम का अधिकारी बताकर सरफराज नाम के व्यक्ति ने उससे जबरदस्ती खाते में 14,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि पूरनपुर थाने में तैनात सिपाही रामू अपने कथित सहयोगी सरफराज और कल्लू के साथ मिलकर इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। मोनिस अजहरी की रिपोर्ट। कल थाना पूरनपुर पर 2 सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाने पर तैनात पुलिस आरक्षी रामू सिंह सहित 4 व्यक्तियों के द्वारा क्राइम इंस्पेक्टर बनकर एक व्यक्ति से मोबाइल एवं पैसा छीना तथा एक व्यक्ति से मोबाइल के द्वारा जबरन पैसा ट्रांसफर करने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना हजार पर इसकी जांच कराएगी तो घटना की पुष्टि हुई। इस संबंध में थाना हजार पर 4 व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है एवं थाने पर तैनात पुलिस आरक्षी रामू सिंह एवं एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 व्यक्तियों की तलाश जारी है। इस संबंध में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।